आम पना गर्मियों में बहुत मज़ेदार पीने में लगता है। इसका स्वाद हल्का सा खट्टा हल्का सा मीठा होता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा आम पना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋचा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है खाओ पियो मस्त रहो। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू। आम पना बनाने के लिए हमने 5 मीडियम साइज़ के आम लिए हैं। इन्हें हमने उबाल के ठंडा कर लिया है। 4 बड़े चम्मच पुदीना लिया है, 2 बड़े चम्मच धनिया ली है, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 बड़े चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है, 1/2 कप के करीब चीनी ली है पिसी हुई, 1 बड़े चम्मच काला नमक लिया है। तो सबसे पहले हम आम को छील लेंगे और इसका जो पल है उसको निकाल लेंगे। कुछ इस तरीके से हमने आम छील लिए हैं और हम इसका पल निकाल लेंगे। और हमने ली है 4 से 5 इलायची, इसका हम पाउडर यूज़ करेंगे। देखिए हमने पल तैयार कर लिया है आम का। अब हम इसमें अपनी शक्कर मिलाएंगे, यह हमने पिसी हुई ली है, आप साबुत भी ले सकते हैं। काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काला नमक, अदरक लिया है हमने, पुदीना लिया है, धनिया पत्ता। अब इन सबको हम एक मिक्सी में की सहायता से पीस लेंगे। देखिए हमने इसे पीस लिया है, इसे हम छान लेंगे। छान के एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। जो भी चीज़ें पिसी नहीं होंगी प्रॉपर वो इस छन्नी में आ जाएंगी। जब हम पियेंगे तो वे मुंह में नहीं फंसेंगी, मुंह में फंसने से अच्छी नहीं लगती हैं चीज़ें। तो हमने इसको अब देखिए छान लिया है और अब हम अपने ग्लास में इनको डाल के तैयार करेंगे। हमने यहाँ 4 ग्लास लिए हैं और हमने सब में बर्फ़ डाल दी है। 1-1 बड़ा चम्मच हम इसमें अपना आम का पल पोर कर रहे हैं। उसके बाद हम डालेंगे ठंडा पानी और एक अच्छा सा स्टर देंगे। चलाने के बाद ये रेडी है पीने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप अपनी कोई रेसिपी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें इंस्टा पे ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।